नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के आठवें दिन की कथा, अध्याय आठ में ओम श्री कृष्णाय शरणम ममः, अर्थात हे कृष्ण, मुझे अपनी शरण में ले लो। जीवन में आई किसी भी विपदा से उबरने के लिए भगवान श्री कृष्ण का यह बहुत ही सरल और प्रभावी मंत्र है। इस महामंत्र का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल उसी तरह मदद के लिए दौड़े आते हैं जिस प्रकार उन्होंने गज की सहायता की थी या उन्होंने द्रौपदी को उबारा था। पूरे विश्वास, श्रद्धा और भक्ति से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान आपके हर संकट हर लेंगे। कार्तिक मास महात्म के पिछले अध्याय में हमने तुलसी पूजा के बारे में जाना था। कार्तिक मास के दौरान घर के तुलसी जी के पौधे के चारों ओर चार केले के पत्तों से सुंदर मंडप बनाकर रखें। तुलसी जी को लाल चुनरी उड़ाकर रखें। तुलसी पूजन करने के लिए सबसे पहले पूजा की थाली तैयार करें, जिसमें शुद्ध जल का लोटा, गंगा जल, अगरबत्ती या धूप बत्ती, घी का दीपक, हल्दी और सिंदूर रख लें। अब आंगन में रखी तुलसी के पास जाएं और सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम करें। उसके बाद जल अर्पित करते हुए इस मंत्र को पढ़ें। महाप्रासाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। मंत्र पढ़ने के बाद उन्हें सिंदूर और हल्दी अर्पित करें, क्योंकि यह उनका श्रृंगार है। इसके बाद तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं, तुलसी माता की आरती गाएं और फिर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा दें। अंत में तुलसी के पौधों को 5 बार प्रणाम करें। तुलसी के पौधों को प्रणाम करके निम्न मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते नारायणाय। तुलसी को दिया दिखाने से पहले अक्षत का आसन जरूर बनाएं। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो शाम के समय तुलसी को दिया लगाना बहुत आवश्यक बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक लगाते हैं, उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, साथ ही घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। रात के समय भी तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना गया है। जरूरत होने पर ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। बेवजह तोड़ने पर आपको दोष लग सकता है। शिवलिंग और गणेश जी पूजन में तुलसी का उपयोग वर्जित है। अपने आठवें दिन की कथा में हम सुनेंगे कार्तिक मास के उद्यापन की विधि। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की संक्षेप में उद्यापन विधि सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल को पाने और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी जी से सुशोभित चारों द्वारों का सुंदर मंडप बनाकर तोरण बंद बार बांधकर फूल माला और चवर आदि से सजावें। मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के पुण्यशील, सुशील, जय और विजय भगवान के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करें और फिर तुलसी जी के चारों ओर अनेक रंगों के सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। इसके बाद वहां शंख, चक्र, गदाधारी, पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की स्थापना करके पूजन करें। व्रती मनुष्य ब्रह्मा जी देवता और इंद्रादि लोकपालों का मंगल हेतु पूजन करें। द्वादशी को भगवान जागे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया। अतः भगवान की उस दिन शांत और सावधान होकर पूजन करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार विधि से करें और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर
वाद्य आदि के साथ भजन कीर्तन करते रहें। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करें, तत्पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। हे राजन, जो इस प्रकार विधि पूर्वक इस वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है तो वह इसके व्रत मात्र से ही वैकुंठ धाम को पाता है। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म को देवता और शेष नाग जी भी 100 वर्षों में भी नहीं कह सकते। जो प्राणी भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनके जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको सहस्त्र गायों के दान का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सन्मुख भजन कीर्तन आदि करता हुआ जागरण करता है अथवा उनकी लीलाओं का पाठ करते हुए जागरण करता है तथा वैष्णव के मन को आनंद देता है, उसे पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। जो मुख से वृथा की बकवाद नहीं करता है, उसका पुण्य दिन प्रतिदिन कोटि तीर्थ यात्रा के समान हो जाता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा एक ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निमंत्रण दें, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु मत्स्य रूप में उत्पन्न हुए थे। अतः इस दिन किया गया होम, जप और दान अक्षय फल को देने वाला है। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवः इस मंत्र से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें। फिर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात देवताओं, तुलसी और कपिला गौ का पूजन करें और सहपत्नीक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर उपदेश करने वाले गुरु का पूजन और समापन करावें तथा प्रार्थना करें। आपकी प्रसन्नता से भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें और इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान, पुत्र और पौत्र आदि दीर्घायु हों तथा पूजा करने से मेरे मनोरथ सफल हों और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे उन ब्राह्मणों से समापन करा के गौ के समेत गुरु को निवेदित करें। तत्पश्चात परिवार और मित्रों सहित भोजन करें। कार्तिक और माघ की ऐसी ही विधि कही गई है। ऐसी सम्यक रीति से भगवान कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ों गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत रखने वाले लोग धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं। कार्तिक के उपवास के वजह से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। वे व्रति के तेज से क्षीण होकर दूर भागते हैं। जो कार्तिक महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनते और कहते हैं, वे पाप रहित हो उत्तम फल प्राप्त करते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म अष्टम अध्याय संपूर्ण।